बाड़मेर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक तांत्रिक ने 21 साल की लड़की के साथ रेप जैसे अपराध को अंजाम दिया। इसके साथ इस तांत्रिक के बारे में और भी कई खुलासे हुए हैं। रेप पीड़िता ने बताया कि ये शख्स तंत्र मंत्र विद्या से उसे और कई महिलाओं और पुरुषों को वश में करता था और अपनी जीभ पर मिश्री रखकर उन्हें खिलाता था। इस 21 साल की लड़की ने पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज करवाया था कि उसके चाचा चाची ने एक तांत्रिक से उसका रेप करवाया है। लड़की ने यह भी बताया कि लाल बाबा नाम का ये तांत्रिक अपना शिष्य बनाने के लिए आदमियों और औरतों के गले में एक माला पहनाता था और लड़की के चाचा चाची के घर उसका आना जाना कई सालों से लगा हुआ था। इस तांत्रिक ने लड़की को भी अपना शिष्य बनाने के लिए उसे भी एक माला पहनाई थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने सिरोही में रहने वाले इस तांत्रिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लड़की ने एक बड़ी अजीब चीज ये भी पुलिस को बताई कि इस तांत्रिक ने लड़की को अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ था और उसे वो उसी नाम से बुलाता था। लड़की ने कहा, मेरी मई 2021 में शादी हो गई थी। शादी के बाद एक बार तांत्रिक चाचा चाची के पास आया था, तब उन्होंने मुझे और मेरे पति को बुलाया था, हम लोग नहीं गए थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो वहां पता चला कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है। पति ने जब इसके बारे में पूछा तो उसे सारी घटना बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि तांत्रिक लड़की के चाचा चाची को पैसे और सामान देता था। वो लंबे समय से उन्हें जानता था। मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। अब पुलिस महिला के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस मामले में कई और महिलाएं भी पीड़ित मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।